हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, और दिस इज़ द PYQ सीरीज जिसमें हम एपकेट के GK के क्वेश्चंस देख रहे हैं। और PDF आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ सकते हैं और आप इस इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर न्यूज़ अपडेट्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपाही म्यूटनी, इसको कई नामों से जानते हैं। सिपाही म्यूटनी कह देते हैं या तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसी को कहते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों? 1857 में हुआ था सबसे पहली आज़ादी की लड़ाई। और इस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से रहे थे, 62 तक या 61 तक थे, 62 तक थे शायद। और ये पहले वॉइस रॉय भी हैं, 57 इसी के बीच लाई करता है। लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये मीरठ से सिपाही म्यूटनी। वो जो गन थी, गन की वजह से हुआ था। उसकी कार्ट्रिज में जो अफवाह फैल गई थी ये पिग और काऊ के उससे बना हुआ है, उसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ था। ऑन विच रिवर वॉशिंगटन DC सिचुएटेड? दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस रेगुलरली कम इन दिस एफकेट एग्जाम कि वॉशिंगटन किसके उस पे है। जो मोस्टली जो कैपिटल सिटीज़ हैं उन्हीं का आता है या तो बहुत ही जो पॉपुलर है। तो लूसेंट में शायद ये दिया हुआ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और वॉशिंगटन DC है पोटोमैक रिवर के बैंक पे। इरावादी आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वॉशिंगटन DC कहाँ है और इरावादी कहाँ है। इरावादी ये म्यांमार के रिवर है। और मिसिसिपी ये नॉर्थ अमेरिका में है। ये मिसिसिपी आपने इससे पहले भी एक जगह देखा होगा जब आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। तो NCERT में ये वर्ड था मिसिसिपी, कि इसमें क्वेश्चन आता था कि इसको रीअरेंज करो इस तरीके से सो दैट ऑल द फोर कम एट वंस प्लेस। तो इन चारों को हम लोग एक साथ लेकर करते थे और फिर लास्ट में ऐसा करते थे, ठीक है। PNC में होता है हडसन रिवर। हडसन जो है ये भी US में ही है। ऐसे अगर मैं नॉर्थ अमेरिका बना दूं, ऊपर वाला कनाडा हो जाएगा, US हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं आएगा ये रिवर हडसन जो है न्यूयॉर्क में आएगा, न्यूयॉर्क US। और यहीं कनाडा में यहाँ पे आपको मिलेगा हडसन बे, हडसन बे चारों तरफ से इसके यहाँ कनाडा कनाडा ही है। ये सारी चीज़ें हैं। वॉट काइंड ऑफ मिसाइल इज ब्रह्मोस? देखिए ब्रह्मोस हमने पहले ही देख लिया है, दो नदियों के नाम से मिलकर बना है, इंडिया और रशिया का कोलोबरेशन से। ब्रह्म मीन्स ब्रह्मपुत्र और मोस मीन्स मॉस्कोवा रिवर। कहाँ की है? ये रशिया की है और ये इंडिया की है। और ये एक हाइपरसोनिक नहीं है, ये है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक क्या होता था बताई दिया था आपको पिछले कुछ वीडियो में। जो साउंड की स्पीड है यानी 344 मीटर पर सेकेंड, इससे अगर कम हो तो वो सबसोनिक है, इससे ज़्यादा हो वो सुपरसोनिक है। और अगर साउंड की स्पीड से 5 times ज़्यादा हो यानी Mach 5 हो उसका, तो ये हाइपरसोनिक हो जाता है। तो ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इट इज़ नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल होता था जो ऊपर जाए और फिर ग्रेविटी का भी यूज़ करे, वो बैलिस्टिक था। और जो डायरेक्टली टारगेट हिट करे वो क्रूज था। BC विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि CDS वगैरह में या फिर और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये नॉट वाली चीज़ें जहाँ भी आते हैं, तो पहली चीज़ जो मैं करता हूँ और आपको भी यही करना चाहिए टू इंसर्कल द वर्ड नॉट, जिससे कि समझ आ जाए कि क्या पूछा है। कैलोरी एनर्जी की यूनिट है ही, कितना होता है? 1 कैलोरी होता है लगभग 4.1 मिनट, आराम से लिखता हूँ 4.18 जूल। और जूल तो होता ही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, वॉट नहीं होता है। वॉट होता है किसकी? पावर की। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन का मतलब है एनर्जी, यानी जूल पर सेकंड को कहते हैं वॉट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे के बराबर एनर्जी, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है। लेकिन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये जूल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें ये लिखा हुआ है अल्ट्रासोनिक, ये सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक हो गया। अल्ट्रासोनिक क्या होता है? ह्यूमन के जो ऑडिबल रेंज है जो हम सुन सकते हैं वो क्या है? 20 Hz to 20 kHz, यही है ये ऑडिबल रेंज है। इस 20 Hz से जो कम होगा वो होगा इंफ्रासोनिक, और जो 20 kHz से भी ज़्यादा होगा वो होगा अल्ट्रासोनिक। तो ये सारी चीज़ें थी, अब आपको सारा चीज़ क्लियर होगा। हु इज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस किसी न किसी वीडियो में, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्र गुप्त को। और किसने कहा था? VA स्मिथ ने कहा था।
और क्या बात थी इसमें, समुद्रगुप्त कविराज इसे कहते हैं, कविराज। और प्रयाग प्रशस्ति भी इसी के लिए लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? हरिसेन ने, यहीं पे अपने इलाहाबाद में, प्रयाग में। और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त एक वन है, एक टू है। पहले चंद्रगुप्त वन है, फिर समुद्रगुप्त है। पहले चंद्रगुप्त वन, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू का क्या नाम है? विक्रमादित्य इसने नाम लिखा है। चंद्रगुप्त टू के ही काल में कौन आया था? फाहियान आया था, फाहियान ही आया था ना। हाँ, फाहियान आया था। और क्या बता दें, बस यही सब है। अशोका ने बुद्धिज्म धर्म अपना लिया था, बुद्धिज्म। और अशोका को छंद अशोका कहते थे, क्योंकि अशोका बहुत ही क्रूयल वो था, क्रूयल राजा था। सबको मार काट फूक करता था। फिर जब कलिंगा का वॉर हुआ, तब इसका जो है हृदय परिवर्तन हो गया। बोला कि अबे यार, मैंने क्या फालतू मार दिया, कुछ होता थोड़ी, इससे राजपाट चली जाना है। तो फिर वो धीरे धीरे फिर ये बुद्धिज्म में जो है ये कन्वर्ट हुआ है। और ये छंद अशोका से क्या बन गया? धर्म अशोका। यानी अब वो धर्म धर्म की बात करने लगा, अच्छा आदमी बन गया। और इसने एक वो भी, जैसे कई सारी ऑफिशियल पोस्ट होती है, उसमें धम्म महामत्ता एक पोस्ट रखवाई थी। धम्म महामत्ता, जिसका काम था ये इंश्योर करे इस सोसाइटी में कि लोग जो है धर्म के अकॉर्डिंग चलें, जो बड़े हैं, पूर्वज हैं, उनकी आदर करें, सम्मान करें, टीचर्स रिस्पेक्ट करें, एंड ऑल्सो टू रिस्पेक्ट द पीपल हु हैव रिनाउंस देयर वर्ल्डली लाइफ्स। तो ये सारी चीज़ें थी, अशोका ने कराई थी। और एक ऑफिसर अपॉइंट किया था, धम्म महामत्ता जिसे हम कहते हैं। और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य आप सभी को पता है। और इनका प्राइम मिनिस्टर कौन था? कौटिल्य या फिर चाणक्य। और चंद्रगुप्त ने जैनिज्म धर्म अपना लिया था, जैनिज्म। और जैनिज्म में आपको पता ही होगा कि ये लोग, जैन में क्या होता है, दे स्टार्व देमसेल्व्स टू डेथ, तो संलेखना जिसे कहते हैं। तो ये भी चला गया था और वहां फिर धीरे धीरे ये मर गया। मतलब जैनिज्म में क्या होता है, अगर इन्हें पता लग जाता है कि हाँ आप मरने वाला हूँ, या फिर उनकी अब इच्छा हो जाती है कि बस हो गया, अब ये खाना पीना छोड़ देते हैं और धीरे 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 मर जाते हैं। दिस इज नोन एज संलेखना। हर्षवर्धना भी है, हर्षवर्धना का एक कोट पोएट काफी फेमस है, क्या नाम है उसका? बाना भट्टा। बाना भट्टा किसी न किसी एग्जाम में आता ही है। बाना भट्टा ने क्या लिखी है? हर्ष चरिता। बाना भट्टा ने ही लिखी है हर्ष चरिता। और हर्षवर्धन के काल में जो ट्रेवलर आया था वो था, उसके टाइम पे फाहियान आया था, इसके टाइम पे आया था ह्यून त्सांग। ह्यून त्सांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया था फाहियान और इसके टाइम पे आया है ह्यून त्सांग। ये सारी चीजें। और हर्षवर्धन ने कुछ वो भी लिखी है बुक्स, जैसे कि एक बहुत ही फेमस है रत्नावली, ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, अभी सीएपीएफ में भी आया है। एलिमिनेट कर सकते थे आप। रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, नागनंदा है। प्रिया दर्शिका नागनंदा, ये थोड़ा सा खुद भी पोइट्री वोट्री लिखता था हर्षवर्धन। ये सारी चीज़ें। बाकी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। और इन्होंने ही एक बुक लिखी है, कौन सी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, कभी ना कभी आएगा ही। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जीके गोखले, ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं, गांधी जी पॉलिटिकल गुरु। बाल गंगाधर तिलक आपको पता ही है, इनका जो टाइटल दिया गया है लोकमान्य, मेट्रो में भी आता है ना लोकमान्य तिलक। और इन्हीं का स्लोगन है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। और ए ओ ह्यूम कौन है? ये फाउंडर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, फाउंडर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कब? दिसंबर 1885 में। और सबसे पहले ये कहाँ हुई इनकी मीटिंग? तो जीएसटी कॉलेज में हुई, गोकुल सिंह तेज संस्कृत कॉलेज, ऐसा करके एक कॉलेज है बम्बई में, बॉम्बे। सबसे पहले यहीं पे इनकी मीटिंग हुई थी, जीएसटी कॉलेज में। जीएसटी नहीं बोलना चाहिए, वो तो याद करने के लिए मैंने रखा है जीएसटी, जिसका कोई फुल फॉर्म है गोपाल सिंह तेज संस्कृत यूनिवर्सिटी। और जो पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ये सारी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा ही आपको। मूविंग फॉरवर्ड, विच हैज़ पावर टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? सिटीजनशिप की जो राइट होगी वो कौन बदलेगा? कैबिनेट थोड़ा बदल देगा, पार्लियामेंट ही बदलेगा। कोई भी चीज़, कोई भी कानून है, सब पार्लियामेंट ही बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करता है, अगर कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, विपदा हो, कोई
हो, है ना, कोई द्वंद हो, संशय हो सेंटर के स्टेट के बीच किसी लॉ में, तो उसको इंटरप्रेट करेगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि भाई ऐसा नहीं, ये ठीक है। पार्लियामेंट में तीन चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। कोई भी बिल होगा पहले लोकसभा में आएगा, राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट आएगा, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया तो बिल से क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा और एक कानून बन जाएगा। अगर इसने नहीं दिया तो नहीं बनेगा। तो पार्लियामेंट में ये तीन चीज़ें आती हैं। यूनियन कैबिनेट क्या होता है, जैसे मिनिस्टर होता है ना, फॉरेन मिनिस्टर, एक होता है होम मिनिस्टर, तो ऐसे ही जो जितने मिनिस्टर हैं उनको बोलते हैं यूनियन कैबिनेट। लगभग 50-60 ऐसे मिनिस्टर होते हैं अलग अलग, और कम भी होते हैं, और जो बहुत ही क्लोज सिर्फ उसमें 6 या 7 ही मिनिस्टर होते हैं उनको कहते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट ये इनके सबसे जो है क्लोजेस्ट होते हैं। इसमें पीएम होगा तो 2-3 लड़के और होंगे, होम मिनिस्टर हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर हो जाएगा। जितने न्यूज़ में रहती है एकदम बहुत ही जो एलीट हैं वो 6-7 लोग अंदर एक छोटा सा बना रखे हैं, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन हो वो यही लेंगे, फिर आकर के इन लड़कों को बताएंगे और सब लोग मिल करके फिर अपना जो लोकसभा है वहाँ पे बता देंगे कि भाई ऐसी बात है। बगलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये चेनाब, और चेनाब दो रिवर्स से बनी, ऐसे बनती है, इधर आती है चंद्रा और इधर आती है भागा, चंद्रा और भागा से फिर ये चेनाब हो जाती है। और ये पांचों रिवर मिलती हैं जब, कौन सी, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, फिर यहाँ पे आके यहाँ मिल जाती हैं, फिर यहाँ से इसको क्या बोलती हैं, पंजनाद, तो यहाँ मिथानकोट पाकिस्तान हो गया, ये ऐसी बात करूँ, ये जम्मू कश्मीर है, ये यहाँ पे मिथानकोट पाकिस्तान हो जाता है और इधर ये फिर पाकिस्तान चली जाती है। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी वो है फेमोर, थाई की बोन होती है जो थाई, ये हमारा घुटना और ये हमारा पैर, तो ये यहाँ पे होती है, इसको बोलते हैं फेम्योर। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन आप सभी ने सुना होगा पर शायद पता ना हो, कोरोना, ये अगर सन है तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोना। इसके अंदर होता है फिर क्रोमोस्फेयर, ये सारी चीज़ें हैं। और सन में वैसे होता क्या है, सन में होता है फिजन या फ्यूजन, तो सन में होता है फ्यूजन, दो न्यूक्लियाई मिलती हैं और एक न्यूक्लियाई बन जाती है और जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी निकल जाती है। विच इज़ नॉट अ गैलेंट्री मेडल, गैलेंट्री आपको पता ही है, वॉर टाइम, पीस टाइम, वॉर टाइम की बात करें, पीस टाइम की बात करें, वॉर टाइम में कौन सी है सबसे बड़ा, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, और इसमें कौन सी, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अर्जुन अवार्ड नहीं है, अर्जुन अवार्ड एक खेल का, स्पोर्ट्स का अवार्ड है, और सबसे जो हायर प्रेसिडेंस ऑर्डर में किसकी है, तो वो है परमवीर चक्र की, उसके बाद अशोक चक्र की, फिर महावीर चक्र, देन कीर्ति चक्र, देन वीर चक्र, देन शौर्य चक्र। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमेशा वॉर टाइम की ही ज़्यादा होगी, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तब तो जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में ऐसे होता है। स्विस कैनाल, ओहो अभी ये करंट अफेयर्स में था 1-1.5 साल पहले, एंड इट इज़ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ नेवल SSB। स्विस कैनाल इसलिए पूछना है, नेवी का काम ही है तो वो अक्सर पूछ लेते हैं, और एक मुझसे इसलिए पूछा था क्योंकि वो करंट अफेयर का टाइम था अभी। एक जो शिप थी ना एवरग्रीन कंपनी की, वो शिप फंस गई थी, तो ये किसको कनेक्ट करती है, ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है, रेड सी ऐसे ऐसे पतली वाली, और इधर यहाँ पे ऐसे मेडिटेरेनियन सी है, ये मेडिटेरेनियन है और ये रेड सी है, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करता है स्विस कैनाल। ये मैन मेड है, हमने बनाया है ताकि इन दोनों को जोड़ दे सकें और जाने में टाइम जो है बच जाए, इधर से नहीं जाना पड़ेगा, वरना तो अफ्रीका घूम के जाना पड़ेगा, यहाँ अफ्रीका है, ऐसे जाने के बजाय अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो मैन मेड है यानी कि ये आर्टिफिशियल है, और ये कब खुला था, ये इसको पूरा बन गया था 1869 में, और ये लगभग 193 किलोमीटर है, 200 कहते हैं, 193 कहते हैं तो भी ठीक है। और इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, तो चलो ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, अच्छा इधर ब्लैक सी भी है यहाँ पे ऐसे, ये ब्लैक सी, तो इनको कौन करता है, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस फोरस स्ट्रेट, मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी को कनेक्ट करते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, और मेडिटेरेनियन सी रेड सी को कनेक्ट करती है स्विस कैनाल। हाँ मैं, हाँ 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 ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे,
भूल गया मैं कुछ चीज़ें, ब्लैक सी की बात कर रहे थे शायद, और ब्लैक सी अच्छी चीज़ है। ये वाला देख लेते हैं, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। ये अगर नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका हो जाएगा। यहाँ पे एस शेप बनता है, ये अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पे ऐसे यूरोप, एशिया, और इधर अपना बेचारा अफ्रीका, ये अपना प्यारा भारत, और ये ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कौन है? पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे अटलांटिक ओशन। इनको आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है? ये करता है पनामा कैनाल। दिस इज ऑल्सो अ फेमस क्वेश्चन ऑफ नेवल सिलेक्शन बोर्ड। पनामा कैनाल ये भी मैन मेड ही अपने सहूलियत के अंदर बनाया है, जो कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से। और इट ऑल्सो डिवाइड विच टू कॉन्टिनेंट? जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये सारी चीज़ें हैं, और देखते रहो पढ़ते रहो। विच इज नॉट करेक्टली मैच, तो ये कंट्री एंड कैपिटल का एक सवाल आपके में आते ही आता है, आप माने चाहे ना माने। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, मालदीव्स की माले है, हालांकि जकार्ता नहीं रह गई, अब करंट अफेयर्स में है नुसांतरा, अब चेंज कर लिया इन्होंने। और नॉर्थ कोरिया, सियाल, जिम्बाब्वे हरा रहे। जिम्बाब्वे का मैंने सिखाया था, जिम गए और फिर बॉम्बे तक ऐसे पैदल पैदल गए, तो एकदम हरारत हो गई, थक गए। तो नॉर्थ कोरिया के सियाल नहीं है, नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग, जहाँ का एक लीडर है कौन? किंग, अरे किंग जोंग, किम जोंग, जो न्यूज़ में भी रहता है। सियाल किसकी है? बीटीएस, बीटीएस करके खूब लड़कियाँ करती हैं, इसलिए मुझे याद है। ये है साउथ कोरिया का, नॉट नॉर्थ कोरिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। एंड डू वॉच द कंट्री एंड कैपिटल वाली वीडियो सीरीज, सो दैट आपको सारी ही कैपिटल जो है याद हो जाए। हु अकॉर्डेड महात्मा टू गांधी जी? किसने कहा था गांधी जी को महात्मा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। और सरदार पटेल ठीक आदमी है, जवाहरलाल नेहरू भी हैं, सरोजनी नायडू से याद आता है, सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, वो तो खैर याद आता ही आता है। लेकिन जो सरोजनी नायडू जी हैं, वो कौन थी? वो थी पहली वुमेन गवर्नर, पहली वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, इन इंडिया कह दें। किस स्टेट की थी? यूपी की। ठीक है, जैसे एक सीएम होते हैं हर स्टेट का, एक गवर्नर होता है, गवर्नर को हिंदी में कहते हैं राज्यपाल। तो जो पहली वुमेन गवर्नर थी, अगर हम देखें किस, हमारे पास जितने 28 देश हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो सबकी कोई ना कोई गवर्नर होगी, तो पहली वुमेन गवर्नर कौन थी? वो सरोजिनी नायडू। और पहली वुमेन सीएम अगर कहें, तो वो कौन थी? उनका भी एच से, सी एस से ही नाम है, सुचेता कृपलानी थी वो, सुचेता कृपलानी, वो भी यूपी की ही थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर सरोजनी नायडू जी थी और सीएम जो है वो सुचेता कृपलानी है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में था वैसे, लेकिन ऑप्शन में 21 दिया था, तो आप 21 ही मार दीजिए। हालांकि 1920, 21, 20 आए तो 20 मार देना, 21 आए तो 21 मार देना। और 21 में चालू हुआ था, और फिर वहाँ पे चौरी चौरा कांड हो गया 4-5 फेब को, 4 फेब 1922, यहाँ पे चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा में क्या हो गया था? गांधी जी तो अहिंसा की बात कर रहे थे, और चौरी चौरा में क्या है कि सब लड़के लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। वेयर इज दिस चौरी चौरा? दिस चौरा चौरा इज इन गोरखपुर, और गोरखपुर का एक मेरा दोस्त था, बट वी नो मोर टॉक, हम लोग क्या बात कर रहे हैं चौरी चौरा की। तो फिर गांधी जी जब यहाँ पे देखे काफ़ी हिंसा है, तो इन्होंने फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया था 12 फेब 1922 को। और काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुई थी गांधी जी की, पर गांधी जी उसके बाद थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए पॉलिटिक्स से अलग थे। और 1900 वो जो 27-28 जो साइमन कमीशन आया, फिर बर्दौली सत्याग्रह 28 में हुआ, तब वो वापस आ गए थे। और 1935 से क्या याद आता है? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है एक, और SBI भी 1935 में ही बना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वही जिसका लंच चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे? हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका? श्रीलंका में कौन ले गया? ये ले गया, कहाँ गया? अशोक, अशोक, अशोक ने भिजवाया था श्रीलंका में भी। अशोक की बिटिया थी और एक बिटवा था, महिंद्रा और संगमित्रा, महिंद्रा और संगमित्रा, मित्रा बेटी है उनकी और ये इनका बेटा है। तो उनको बोला था कि ऐसा है, ले जाओ तुम श्रीलंका में भी, जो कि सीलन इसका पुराना नाम था, सीलन। तो वहाँ पे बुद्धिज़्म काफ़ी स्प्रेड कराया। और संगमित्रा एक ट्रेन भी है मेरे ख्याल से बैंगलोर की, बिकॉज मेरी तीसरी एस एस बी बैंगलोर इसी ट्रेन से थी। महावीरा कौन है? ये जैनिज्म के हैं, वर्धमान महावीरा,
जैनिज्म में 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है, तो जो 24वें हैं वो वर्धमान महावीरा हैं, परशवनाथ 23वें हैं, मतलब एक पहले वाले, और जो पहले थे वो कौन है, ऋषभदेव या ऋषभनाथ, 23वें परशवनाथ और 24वें महावीर जी। चंद्रगुप्त मौर्य आपको बताया ही, ये जैनिज्म धर्म अपना लिया था इन्होंने, और ठीक है। वाका वाका सॉन्ग किसने गाया, तो वाका वाका जो है ये जो फीफा वर्ल्ड कप था ना उस टाइम का ये क्वेश्चन है, उस टाइम आया हुआ था। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि अभी अगर कोई पॉपुलर क्वेश्चन वो आया हो क्या कहते हैं, कोई अगर पॉपुलर सॉन्ग अगर बना हो किसी गेम्स स्पोर्ट्स एसोसिएटेड, जैसे वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड कप का कोई गाना हो गया, तो वो भी हमें पढ़ना चाहिए। वाका वाका सॉन्ग सभी को पता है, शकीरा। नरेगा का फुल फॉर्म आया है, नरेगा जो आपको पता ही है 2005 में आया था, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें रेवेन्यू है, ये नहीं होगा, नेशनल रेवेन्यू एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अच्छा रेवेन्यू नहीं है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन नहीं है, एक्ट है, तो ये आंसर हो गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या सीन था कि 100 days ऑफ वर्क मिलेगा रूरल वाली जगह पे अनस्किल्ड वर्कर, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि CDS में एक बार ही सेंटेंस के फॉर्म वाले क्वेश्चंस में आया हुआ है, 100 days का वर्क है। हालांकि इसकी मांग थी कि इसको और बढ़ा दिया जाए, बढ़ा कि नहीं बढ़ा ये नहीं पता, और रूरल की बात है, ये जहाँ रूरल जगह है केवल वहीं की बात है, और अनस्किल्ड मैनुअल लेबर है, ये नहीं कोई कहेगा कि हमको भैया कंप्यूटर आता है हमको कंप्यूटर काम चाहिए, अनस्किल्ड काम के लिए ये है। और 2009 में इसको रीनेम कर दिया गया था, महात्मा गांधी आगे लग गया था, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये हो गया था। और तो हम बात करेंगे कहाँ गया, रिवर सतलज, सतलज कहाँ से ओरिजिनेटेड होती है, देखिए अगर हम ऐसे मैप बना लें, ये ऐसे हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा ये इधर ठीक नहीं बना, इसको ठीक बनाना पड़ेगा, ठीक है अब, ठीक है अब देखिए यहाँ से हमारी जाएगी इंडस रिवर, मानसरोवर लेक से, मानसरोवर लेक यहाँ से इंडस आएगी, सिंधु नदी से कहते हैं, ऐसे जाएगी जैसे पाकिस्तान चली जाएगी, ये कौन है, इंडस रिवर है। उसके बाद कौन आती है, झेलम की बात करें तो झेलम कहाँ से निकलती है, ये निकलती है स्प्रिंग एट वेरीनाग से, यहाँ पे ये है झेलम, यहाँ से निकलेगी। और झेलम कहाँ है, ये श्रीनगर से भी होके जाती है, आपको याद ही होगा झेलम, क्योंकि श्रीनगर गए हो तो झेलो ऐसा था, फिर यहाँ झेलम हो जाएगा। चेनाब देखिए यहाँ से मैंने बताया था, चंद्रा और भागा दो रिवर मिलेगी, और यहाँ से ऐसे जाएगी हमारी चेनाब, ये चेनाब है। उसके बाद आएगी हमारी रावी, यहाँ से इसी के पास से रावी भी आ जाएगी, और ब्यास जो है वो सतलज के ऊपर गिर जाएगी, सतलज, सतलज कहाँ से निकली, सतलज निकली है राकस लेक से, ये मानसरोवर लेक के नीचे है राकस लेक, ये पहले थोड़ी देर दोनों पैरेलल चलती हैं, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी दो रिवर हैं जो कि पहले कुछ देर पैरेलल चलती हैं उसके बाद ऐसे, तो यहाँ से ये इंडस है और ये वाली कौन सी है, सतलुज, थोड़ी देर पैरेलल चल रही है, मानसरोवर लेक के पास में ही है, नीचे कौन सी, राकस लेक, हल्का से इधर कह दें, तो सतलुज का क्वेश्चन आया, आंसर क्या हो जाएगा, राकस लेक। और स्प्रिंग एट वेरीनाग से कौन निकला है, वेरी से मैं ऐसे विनय कर लेता हूँ तो उसको झेलना मिलना थोड़ा मुश्किल का काम है, ऐसा मैंने मान लिया था, तो यहाँ पे आप झेलम याद कर लीजिए। और चेनाब जो है वो हमारा वहाँ से है, लाहौल स्पीति हिमाचल, और रावी भी हमारे हिमाचल, चेनाब और रावी ये हमारे हिमाचल हो जाएंगे, HP लिख देता हूँ। और ब्यास हमारा ये भी हिमाचल है, रोहतांग पास से निकलती है, ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड, ब्यास कुंड, ऐसे सतलज के ऊपर गिर जाएगी और यहाँ से सतलज आएगी और इधर होते हुए यहाँ चल जाएगी, ये सारी यहाँ इस पॉइंट पे मिलेंगी, और उसके आगे से फिर इसको, इस पॉइंट को बोलेंगे मिथानकोट, बोलेंगे नहीं मिथानकोट में है पाकिस्तान, और यहाँ से आगे का रिवर का नाम हो जाएगा पंजनाद, यानी पांच लोगों का पंज नदी मिली है तो पंजनाद हो जाएगा, ठीक है बाकी सब तो बताई थी। अमरकंटक प्लेटू से कौन सी रिवर निकलती है, वो निकलती है नर्मदा रिवर। ब्लैक रेवोल्यूशन किस लिए, ब्लैक रेवोल्यूशन है पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के लिए, और मिल्क प्रोडक्शन यानी वाइट रेवोल्यूशन,
और फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के लिए है ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? एम एस स्वामीनाथन। ये 1960s में हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, और एम एस स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। और दो HYV यानी हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स हमने लाया था, और एक हमने लाया था उसकी वीट की, और एक लाया था राइस की। वीट की कहाँ से लाई थी? वीट की लाई थी हमने मैक्सिको से। और राइस का कहाँ से था? आइस फिलीपींस। वीट यानी हीट, तो हीट बहुत है इसलिए मैक्सी पहन लो ताकि आराम मिले। और आइस यानी आइस लगाना है क्यों? क्योंकि जो फिलिप है, फिलिप ह्यूज, अगर आपको याद हो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था फिलिप ह्यूज, तो उसको चोट लग गई थी एंड ही डाइड। तो जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे हम आइस से सिकाई करते हैं, इसलिए राइस का कौन सा हो जाएगा? फिलिपींस। सो दीज वर द क्वेश्चंस एंड हेलो माय नेम इज विनय यादव, आई एम हियर बिकॉज आई लव टू टीच एंड आई एम फ्री दीज डेज एंड आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल हु वॉन्ट टू क्लियर द एफकेट और सीडीएस, एज ऑल्सो आई एम डन विथ ऑल माई SSBs एंड आई हैव क्लियर एफकेट 4 times, EKT इन मैकेनिकल 4 times एंड CDS 4 times, appeared for SSB 14 times and got conference out 8 times. आप यहाँ पे टेलीग्राम सॉरी इंस्टाग्राम पे आप जुड़ जाइए, इस पे आपको रेगुलर न्यूज़ अपडेट्स मिलेंगी। और ये टेलीग्राम चैनल है CDS Black का, आप यहाँ से PDF ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।